ईसा के ऊपर पावर्टी ना चल रहा है क्या? अरे भाई साहब देखिए देखिए, ईद को भी तोड़ दिया है जो ये हमारी मशीन है भाई साहब, ना बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं कर रही। आशु देखिए मशीन तो जंप कर रही है, ये देखिए मशीन जंप कर रही है, लेकिन आशु के हाथ बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं कर रहे भाई साहब। बिल्कुल किसान भाइयों का तो शक ही खत्म हो गया कि ये मशीन अगर ईंटा आ जाता है तो क्या होगा। अरे भाई साहब कोई भी रोड आ जाते हैं, ये मशीन वाइब्रेशन करने वाली नहीं है भाई साहब। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए भाई साहब, ईंटों को तो पूरा मतलब, और देखिए ईंट भी टूट गया भाई साहब, और पतवार की तरह रोंदते हुए जा रहा है। जी जी जी। नमस्कार दोस्तों, हम लोग पंजाब आ चुके हैं। हमारे सामने देख सकते हैं पावर टिलर का R777 प्रीमियम मॉडल है। यह लॉन्च तो काफी पहले हो चुका था और मार्केट में धमाल मचा हुआ है, तो हमने सोचा कि चल के देखते हैं राजा भाई के इस पावर टिलर में क्या खास बात है। नमस्कार राजा भाई। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। तो किसान भाइयों की तरफ से हम आए हैं, काफी किसान भाइयों का सवाल था, R777 काफी प्रीमियम मॉडल है, धमाल मचा हुआ है, तो इसमें क्या खास है? अरे सबसे ज्यादा देखिए आप बिहार से आते हैं, बिहार में ही सबसे ज्यादा हमारा ये R777 प्रीमियम मॉडल किया है, क्योंकि इसमें क्या विशेषता क्या है, इसमें हमने शॉकर लगा दिया है, शॉकर के कारण इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होती। क्या होता है फार्मर भाइयों के लिए, जब मशीन चलती है ना भाई साहब, बाजू दर्द करने लग जाते हैं, तो बड़ी थकावट महसूस होती है। जब ये शॉकर मैं आपको चला के दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, इसमें क्या खासियत है, कैसे चलेगा, और देखिए यहाँ पे ना धान की खेती हुई हुई थी, जहाँ पे कैसे जुताई करेगा वो मैं आपको करके दिखाऊंगा भाई। राजा भाई इसका पावर परफॉर्मेंस तो हम लोग देखेंगे ही, थोड़ा मशीन के बारे में पहले बता। देखिए जो हमारा R777 है, इसका हैंडल हमने जो ऑर्डिनरी R777 था उससे भी बड़ा कर दिया है। उसका हैंडल का ये वाला पार्ट पहले क्या था, कई बार फार्मर भाइयों से टूट जाता था जब ट्रॉली चलाते थे, इसको भी हैवी किया गया है। और इसका जो इंजन है 245 सीसी का है, पहले जो इंजन होता था 235 सीसी या 240 था, इसको भी हमने 245 सीसी का कर दिया है। और इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होगी, और जितना मर्जी हार्ड कितने कंकर भी आ जाएंगे तो ये हिलने वाला नहीं है। और इसमें विशेष क्या है, इसमें रेडियल के टायर दिए गए हैं, और ये वाली शाफ्ट हैवी है, गियर बॉक्स में इसमें 2.25 लीटर आएगा तेल आएगा, और इसका जो पीटीओ शाफ्ट है ये भी हैवी किया गया है। आप इसमें 3 इंच का 4 इंच तक का वाटर पंप लगा सकते हैं, स्प्रे पंप लगा सकते हैं, जनरेटर तक चला सकते हैं इसमें भाई साहब। और ये हमारे पास 2 मॉडल में उपलब्ध है, ये सेल्फ के साथ भी है, बिना सेल्फ के साथ भी है। और सबसे बड़ी बात है ये R777 है, यहाँ पे प्रॉपर ढलाई में भी इसका इम्बोज होगा, ये बिना इम्बोज के तो मशीन लेना ही नहीं चाहिए। ये देखिए भाई साहब। बिल्कुल राजा भाई, मशीन के स्पेसिफिकेशन तो हमने जान ली, अब इसको चला करके थोड़ा दिखाइए हमारे किसान भाइयों को। बिल्कुल बेटे, आशु बेटे जरा ऐसे करिए, इसमें आप ये ब्लेड लगाइए, फिर आपको चला के दिखाता हूँ जी। देखिए ये जो हमारी जो मशीन है R777, ये सेल्फ के साथ भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर फार्मर भाई सेल्फ के साथ नहीं लेना चाहते तो ये रस्सी, यहाँ से रस्सी खींच के भी ये मशीन स्टार्ट हो जाता है भाई साहब। चलो चलाओ बेटे आशु। ये देखिए भाई साहब, अभी जो ये जो मशीन चल रही है, वाइब्रेशन तो है मशीन में, लेकिन ये शॉकर ही ऊपर नीचे हो रहा है। और ये आशु के हाथ दिखाइए, बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं भाई साहब, मतलब कि बिल्कुल कंधों पे जो कंधे हैं ना भाई साहब, ये बिल्कुल भी हिलने वाले नहीं है भाई साहब। ये देखिए ये देखिए, बिल्कुल मशीन तो जबरदस्त काम कर रही है। और सब देखिए, सबसे बड़ी बात ये देखिए, मशीन नीचे जो शॉकर है वो ही अप डाउन हो रहा है भाई साहब, और मशीन बिल्कुल भी आशु के कंधे बिल्कुल भी हाथ जहाँ पे नहीं सही है। ये देखिए भाई साहब, यही मैं चीज़ दिखाना चाहता था कि मशीन बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं करेगी, और बिल्कुल काली मिट्टी है, ये नहीं है कोई भालू मिट्टी है, और बिल्कुल हार्ड मिट्टी है। ये देखिए भाई साहब, बिल्कुल हार्ड मिट्टी है भाई साहब। अरे राजा भाई जबरदस्त, ईसा के ऊपर पावर्टी ना चल रहा है क्या? अरे भाई साहब देखिए देखिए, ईद को भी तोड़ दिया है जो ये हमारी मशीन है भाई साहब, ना बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं कर रही। आशु देखिए मशीन तो जंप कर रही है, ये देखिए मशीन जंप कर रही है, लेकिन आशु के हाथ बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं कर रहे भाई साहब। बिल्कुल किसान भाइयों का तो शक ही खत्म हो गया कि ये मशीन अगर ईंटा आ जाता है तो क्या होगा। अरे भाई साहब कोई भी रोड आ जाते हैं, ये मशीन वाइब्रेशन करने वाली नहीं है भाई साहब। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए भाई साहब, ईंटों को तो पूरा मतलब, और देखिए ईंट भी टूट गया भाई साहब, पतवार की तरह रोंदते हुए जा रहा है। जी 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 जी, ऐसा मशीन होना चाहिए। अरे भाई साहब मशीन की ताकत इतनी ज्यादा है, अगर इसके ऊपर 3-4 लोग भी चढ़ जाएंगे ना, मशीन तो बड़े वाला नहीं है। अरे बेटे इसके ऊपर देखते हैं। अरे अभी चढ़ा के दिखाता हूँ, आ जाओ बेटे चढ़ जाओ इसके ऊपर तुझे। जबरदस्त, दो आदमी को लेके ईंट पर चढ़ा दिया।
जबरदस्त ईट भी तोड़ दिया। अरे भाई साहब हमारी मशीन में ताकत ही इतनी है, 8777 जो मैंने बोला था कि बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं करेगा, आज मैंने प्रूव कर दिया प्रैक्टिकल, और ऐसे खेत में आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल भी जुताई नहीं हुई, जहाँ पे धान की खेती हुई हुई है, और देखिए बिल्कुल पाउडर की तरह ब्री करती हुई मशीन जा रही है, ये देखिए भाई साहब बिल्कुल, और ईंट को भी इस तरह से तोड़ दिया दो आदमी बैठने के बाद। अरे गजब राजा भाई गजब, ईंटों को तो पूरा एकदम सीट दे रहा है। अरे भाई साहब ऐसा है कई बार कंकर होते हैं जमीन में, तो भाई साहब जितने मर्जी कंकर रहे जो शॉकर होने के कारण मशीन में वाइब्रेशन ही नहीं होगा, मुझे ही नहीं लगता इससे बड़ा कंकर होगा जी जमीन में। और अजमेर एक बार फिर जहाँ से लेके आना, अजमेर एक बार ये देखिए प्रॉपर दिखाइए ऊपर से, ये देखिए भाई साहब ये देखिए ये देखिए भाई साहब, और बिल्कुल जी इसको ईंटों को भी तोड़ दिया इसने बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राजा भाई ये कितने फीट में अभी चल रहा है? अभी मैं आपको नाप के दिखा रहा हूँ, आशु बेटे जरा रुकिए, अरे रुकिए इधर पकड़ो बेटे, ये 4 फीट से थोड़ा सा ज्यादा, 4.25 फीट में चल रहा है भाई साहब। अगर इसको छोटा करना हो तो कितने इंच तक इसको चलाया जाता है? अरे भाई साहब इसको आप 22 इंच में कर सकते हैं, 28, 32, 42, 48, 52 जैसे मर्जी कर सकते हैं, अभी मैं आपको छोटा भी करके दिखाता हूँ। आशु बेटा ऐसे करो ये पिन्ने निकाल दो, इसको छोटा करके दिखाओ। बिल्कुल राजा भाई इसका साइज तो आपने छोटा कर दिया, अभी कितने इंच में चल रही है? अरे भाई साहब ये अभी देखिए, ये मैं आपको नाप पे दिखा देता हूँ, आशु बेटे जरा होली धीरे बंद करना बंद करना, ये देखिए भाई साहब ये भाई साहब हो गया तकरीबन 39 इंच हो गया। अगर इसी तरीके से ये वाले ब्लेड भी और निकाल देंगे ये मास्टर हो जाएगा भाई साहब 22 इंच में हो जाएगा भाई साहब। मतलब इसी मशीन को हर एक साइज के हिसाब से, मतलब कि इसको आप कैसे भी करके चला सकते हैं, छोटा बड़ा कितना मर्जी कर सकते हैं, सिर्फ पिन निकालनी और छोटा बड़ा हो जाएगा भाई साहब। देखिए मनीष जी ये ना हमारा प्लाव है, ये 2 कार्य करेगा फार्मर भाई के लिए, अगर किसी फार्मर भाई ने जैसे खेत में पानी छोड़ना है नाली बनाना है उसका भी ये कार्य करेगा, अगर फार्मर भाई ने जैसे मिट्टी लगाना होता है गन्ने में मिट्टी लगाना है या सब्जी में मिट्टी लगाना है उसका भी ये काम करेगा, बेड बना देगा इसी, और ये बेड भी बना देगा भाई साहब ये देखिए। अच्छा इसका 3-3 काम हो गया, इसके 3-3 काम हो गया ये देखिए जी। अच्छा राजा भाई ये बताइए कि ये कितने इंच में मिट्टी लगा रहा है, और इससे ज्यादा मिट्टी लगा रहा है तो क्या कर सकते हैं? देखिए भाई साहब ये तकरीबन जो मिट्टी लगा रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये तकरीबन 18 इंच में मिट्टी लगा रहा है, अगर फार्मर भाई ने 28 इंच में मिट्टी लगाना है उसमें हम बिग डबल प्लाव दे देंगे, अगर उससे भी ज़्यादा मिट्टी लगाना है जैसे 3 फीट हो गया 3.5 फीट हो गया तो उसमें डिचर आते हैं तो डिचर से मिट्टी लगाया जाता है, वो डिचर आपको मैं चला के दिखाता हूँ भाई साहब, ये देखिए भाई साहब अभी हमने क्या डिचर लगा दिया है, अगर 3 फीट में 3.5 फीट में मिट्टी फेंकना है तो फार्मर आराम से फेंक ही जाएगी, ये देखिए भाई साहब ये देखिए देखिए ये डिचर ये होते हैं ना मेन मिट्टी फेंकने के लिए होते हैं, दोनों साइडों के ऊपर मिट्टी फेंकने का काम करता है, और ये इस डिचर से ना और बड़ा बेनिफिट है, अगर इसको ये लेफ्ट राइट कर दिया ना जी ये उधर लगा दिया ये उधर लगा दिया तो इसी से बेड बनाने का काम करने लग जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल जबरदस्त नहीं है राजा भाई। अरे हाँ बिल्कुल सही है, ये शॉकर लगने के कारण पहले क्या था जब शॉकर नहीं था तो ये डिचर बड़े वाइब्रेशन करते थे, अब देखिए जो डिचर ये शॉकर लगने के कारण अब बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं करेगा, मशीन बिल्कुल सीधा चलता जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली बार में। यहाँ पे हम हाथ देख सकते हैं थोड़ा नहीं है वाइब्रेशन। अरे भाई साहब अरे शॉकर लग गया तो वाइब्रेशन करेगा, हाथ तो कैसे वाइब्रेशन करेंगे भाई साहब ये बताइए। किसान भाइयों को अब आराम होगा। अरे भाई साहब पूरे हिंदुस्तान के जो फार्मर है जिन्होंने ये शॉकर वाली मशीन ली है सबको ही आराम आने वाला है भाई साहब। अच्छा राजा भाई जैसा कि आप बता रहे थे कि डिचर का 2 उपयोग है जी, इसका उल्टा करके दूसरा वाला काम बताइए। अरे भाई इसको अभी लेफ्ट और राइट कर देंगे तो ये बेड यही बेड बनाने का काम करने लगे। अरे आशु बेटे इसको उल्टा कर दो बेटे, ये देखिए अभी हमने वो वाला लेफ्ट कर दिया डिचर को और वो राइट कर दिया, यही ये बेड बनाने का काम करने लग गया भाई साहब, ये देखिए कितना जबरदस्त बेड बन रहा है, और इसकी मैं चौड़ाई भी बता देता हूँ, ये तकरीबन भाई साहब
20 इंच के आसपास है भाई साहब। अगर डिचर थोड़ा बड़ा कर देंगे और बड़ा बेड बनाने लग जाएगा जी। पर राजा भाई आपने एक गलती कर दी है मशीन बनाने में। क्या गलती कर? लाइन बनाते हुए चल रहा है। अरे भाई साहब अगर इसके पीछे बेड मेकर लगा देंगे इसी डिचर तो ये प्रॉपर शेप देने लग जाएगा तो लाइन नहीं बनाएगा। अरे आशु बेटे जरा रुक जाओ बेटे। अरे बेटे ऐसे करो वो बेड मेकर लेके आओ इसके पीछे लगाओ। ऐसा नहीं किया जा सकता है कि इस बीच वाली लाइन को निकाल दें। अरे भाई साहब देखिए ये निकाल देंगे इसके पीछे प्रॉपर वो बेड मेकर लग जाएगा तो यही जो बेड है शेप देने लग जाएगा प्रॉपर। अच्छा साथ में दोनों अटैचमेंट। बिल्कुल दोनों साथ में चलेगा। अभी आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। अच्छा दो अटैचमेंट साथ में, चलिए देखते हैं। देखिए मनीष भाई अभी हमने ना पीछे बेड मेकर लगा दिया, वो जो आप लाइन सी बोल रहे हैं वो भी खत्म हो गई है और ये प्रॉपर शेप देता हुआ जाएगा। और इसको ना जो पीछे जो बेड मेकर लगा हुआ है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, तंग भी कर सकते हैं और भीड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कोई बड़ा ट्रैक्टर होता है ना उस तरीके से ही बनेगा। ये देखिए जबरदस्त राजा भाई, बहुत पावरफुल मशीन है, दो दो अटैचमेंट खींच रहा है। अरे भाई साहब 8777 है, इसका जो नीचे का जो गियर बॉक्स है वो 2.25 लीटर का है, इसीलिए इसमें इतनी ताकत है। और इटालियन टर्बो का इंजन डिजाइन किया हुआ है जो कि 7.75 का है भाई साहब। सबसे बड़ी बात है इतनी हार्ड मिट्टी को इतना ऊंचा तक मतलब लगा दे रहा है, काफी आसान बात नहीं है। अरे भाई साहब जो देखिए जैसे महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, आपके बिहार में भी चिकनी मिट्टी होती है, जो जो हमने आज डेमो करके दिखाया आपको चिकनी मिट्टी में ही करके दिखाया है भाई साहब डेमो, ताकि फार्मर भाई को कोई भी शंका ना रहे भाई साहब। बिल्कुल राजा भाई काम तो जबरदस्त है। ये जो बेड बना है इसके बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए भाई साहब जो अभी ये दूरी जो है ये तकरीबन 24 इंच की दूरी है। अगर फार्मर भाई और चौड़ा करना चाहते हैं तो और दूर से लेके आ सकते हैं, अगर और नज़दीक से करना चाहते हैं तो इधर को कर सकते हैं। और इसकी जो हाइट भी है बेड की ये तकरीबन ये दिखाना चाहता हूँ, अरे भाई सवा फीट है भाई साहब, 15 इंच है भाई साहब। बिल्कुल और जो चढ़ाई भी है इस बेड की ये भी 16 इंच है भाई साहब। राजा भाई कल्टीवेटर तो जबरदस्त काम कर रहा है, वो भी 5 लाइन वाली है। अरे भाई साहब हमारा 8777 है इसलिए ऐसे कार्य कर रहा है क्योंकि जो इसमें इंजन लगा हुआ है वो 7.75 इटालियन टर्बो के तहत डिजाइन हुआ हुआ है। और सबसे बड़ी बात है जो शॉकर के कारण बिल्कुल भी जो हार्ड मिट्टी है उसमें प्रॉपर काम करते हैं, नहीं जो कल्टीवेटर होते हैं नैने से मारते हुए चला जाता है, ये हमारा जो कल्टीवेटर इसलिए बढ़िया चल रहा है क्योंकि शॉकर लगा हुआ है भाई साहब। इसकी जुताई दिख रही है, बहुत सारा होता है सीधे लाइन खींचते हुए चला जाता। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये स्पेशल जो कल्टीवेटर भी जो चलाना चाहिए शॉकर वाली मशीन के साथ ही चलाना चाहिए ताकि फार्म भाई को बड़ा आराम रहेगा, बड़ा ही आसान काम कर सकेगा फार्म भाई। ये देखिए भाई साहब जैसे ही नीचे उतरा, जैसे पहाड़ी के नीचे उतरता है, इसमें ट्रॉली में ब्रेक होने के कारण तुरंत रुक गया भाई साहब। ये हमारा जो ब्रेक वाला ट्रॉली है इसलिए इतना सक्सेस है, और चारों तरफ से ये हाइड्रोलिक भी है, चारों तरफ से खुल जाता है भाई साहब। बिल्कुल मतलब ट्रॉली में भी ब्रेक दिया गया। बिल्कुल ट्रॉली में भी ब्रेक दिया गया है और हाइड्रोलिक भी है और चारों तरफ से खुल जाता है भाई साहब। और ये 1 टन वजन लेके जाएगा, जैसे जो हमने नीचे उतार के दिखाया और कितनी स्पीड से जा रहा तुरंत रुक गया जी। अच्छा राजा भाई ट्रॉली का जरूरत हर किसान को है क्या? अरे भाई साहब ये जरूरत नहीं है, ये फार्मर को अगर जरूरत है तो ले सकता है ट्रॉली, अगर नहीं जरूरत है तो नहीं ले सकता भाई साहब। बिल्कुल अरे भाई साहब ये हमारा 8777 है भाई साहब, इसलिए ये चलेगा ही चलेगा भाई साहब। राजा भाई हमने आपके इस शॉकर वाले मशीन का कमाल तो देख लिया, अब इसका दाम क्या रहने वाला है सो बताइए। देखिए जो हमारा 8777 प्रीमियम है जो सेल्फ के साथ है उसका जो प्राइस है 58,000 का है, अगर बिना सेल्फ का लेना है तो 2,000 कम हो जाएगा, उसका प्राइस है 56,000 का है। उसके साथ हम 32 ब्लेड की रोटरी जो मैंने आप 4.25 फीट में आपको दिखाई थी वो साथ में आएगी, साथ में 4,000 रुपये की फार्म भाई कोई भी हमसे फ्री अटैचमेंट ले सकता है, जो उसका हम PDF फाइल भेज देंगे। ऐसे तो इसमें 40-45 अटैचमेंटें लग सकती हैं, जो भी फार्म भाई को चाहिए होंगी वो हम 4,000 रुपये की अटैचमेंट फ्री दे देंगे। अगर फार्मर भाई इसको मंगाना चाहते हैं तो कंपनी में आ सकते हैं, जो हमारी कंपनी लुधियाना मलेरकोटला रोड पे है, मेन हाईवे पे ही है, जहाँ पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे लाइव डेमो भी हम करके दिखा देंगे, जहाँ पे रहने का खाने का प्रॉपर प्रबंध किया गया है, प्रॉपर हमारा कंपनी का अपना गेस्ट हाउस है। जो फार्मर भाई ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं उनको कंपनी का हम कंपनी का करंट अकाउंट भेज देंगे या फ़ोनपे गूगल पे का नंबर भेज देंगे, उन्होंने मात्र 2,000 रुपये डलवाना है और मशीन
डिस्पैच कर देंगे या मशीन उनके राज्य में पहुंच गया कोरियर ऑफिस में, तब उन्होंने बाकी का पैसा डलवा देना है और मशीन की जो डिलीवरी है बिल्कुल फ्री की जाएगी, डिलीवरी का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अच्छा राजा भाई, नया साल है, कुछ डिस्काउंट नहीं करेंगे? देखिए, हमने आज तक भाई साहब कभी किसी को निराश नहीं किया। जो भी हमें आपकी मनीष कुशवाहा जी की वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा उसको हम स्पेशल 2000 का स्पेशल डिस्काउंट करेंगे। ये सेल्फ वाली मशीन हम 56,000 में, और बिना सेल्फ वाला जो 777 प्रीमियम जिसके शॉकर लगा हुआ है वो 54,000 रुपये की दे देंगे। अच्छा राजा भाई, एक बात बताइए, हम बिहार से आते हैं, काफी सारे किसान भाइयों का सवाल होता है कि बिहार में कोई डीलर है क्या? अरे भाई साहब, बिहार में बहुत सारे हमारे डीलर है, 15 से 20 डीलर है, ऐसे में ये अच्छी तरह जात तो नहीं है। कुछ के मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अरवल में हुए, पटना में हुए, समस्तीपुर में एक गांव है मेरे ध्यान में खर करके गांव है, मतियारी में हुए, ऐसे बहुत सारे हमारे डीलर है फार्मर भाई, हमारे वहाँ से भी ले सकते हैं मशीन और सेम रेट पे देंगे और कोई भी उसमें दिक्कत की बात नहीं है। भाई वहाँ से भी लेते हैं तो रेट सेम? रेट सेम, हमने उनसे वादा किया है फार्मर, उनसे जो भी जिनको भी डीलरशिप दिया गया है कि वो सेम रेट पे ही बेचेंगे, एक भी पैसा फार्मर भाई से अलग से नहीं लेंगे जी। अच्छा राजा भाई, आप तो सर्विस देते हैं लेकिन जो आपके डीलर है वो भी सर्विस देते हैं? अरे भाई साहब बिल्कुल, हमारे जो डीलर हैं वो भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हमने पटना में हमने तो 5 इंजीनियर तक दिए जो पूरे बिहार को कवर करेंगे, हमने यूपी में 22 इंजीनियर रखे हैं, इधर हमने झारखंड में हमने 13 इंजीनियर अपॉइंट किए हैं, पूरे हिंदुस्तान में हमने हर जगह पे अपने इंजीनियर अपॉइंट कर दिए। जहां भी कोई फार्मर भाई को दिक्कत आती है हम अपने इंजीनियर का विजिट करवाते हैं भाई साहब, मतलब जहां से खरीदे वहीं से सर्विस। अरे भाई साहब पता क्या, एक साल की पूरी गारंटी देता हूं। पहली बात तो मशीन खराब ही नहीं होती है, हाँ कुछ हो सकता है खराब हो जाए, मैं फार्मर भाई को बोलूंगा फोन करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे बिल का फोटो जो खराब हो गया है वो भेज दिया, नया ही भेज दूंगा और फिट वो खुद ही कर सकते हैं। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो हम अपना इंजीनियर भी भेज देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई।